Today, as part of the seminar, we have very interesting topics to be covered. We have Dr. Kuljeet Shellie with us. She's a professor in Delhi University. She has done a vast work on bullisha. Research, papers, documentation. We all know that Amir Khusro, yesterday we had a lot of discussions and we all know that Amir Khusro is the one who created Qawwali. So considering that Amir Khusro was in Delhi, the language should have been limited to Urdu, Persian, Hindi, and the spoken languages. Yet, today we hear Nime Jana Jogi De Naal, which is as fit into the structure of Qawwali as Amir Khusro's Hindi. So somewhere the Punjabi poetry forms an important link in Qawwali as it is sung today. This is being explored by Professor Kuljeet Shellie. So I welcome the panelists on stage. May I have you all on the dais, please? Professor Kuljeet Shellie. Good morning. Adab, namaskar, sat sri akal. Kuch din pehle, main subah uthti hu to subah hi TV se meri mulaqat hoti hai. To subah subah golden temple se subah ka hukmnama lete hain ki aaj din ke liye ye baat badi important hai. To maine जब ही टीवी ऑन किया तो आवाज़ आई ये सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है जिसमें से ये हुक्मनामा इसको हम बोलते हैं आज के लिए ये हुक्म है तो आवाज़ आती है उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे वसीत उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत ये आवाज़ आ रही है सिखों के गुरुद्वारे से और ये बात हो रही है हिंदुस्तान के चिश्तिया सिलसिले के पहले पंजाबी फकीर दरवेश गद्दीदार वैसे तो मयूद्दीन चिश्ती हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं उनके जो शिष्य तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये कैसी खूबसूरत बात है ये जब ये नई सदी आने वाली थी तो एक वर्ल्ड पीस समिट में ये कुछ मुद्दे दो बहुत उभर के आए एक तो ये कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं इनका जो है आपस में डायलॉग कितना ज़रूरी है और दूसरा ये था कि ऑल टाइप ऑफ वायलेंस रिलेटेड टू रिलीजन्स मस्ट बी एंडेड तो ये फरीद साहब ने ये 12वीं 13वीं सदी की बात है और ये गुरु ग्रंथ साहब में ये 1604 में ये आ गई थी उससे लेकर आज तक ये क्या बात है कि ये रेलेवेंट है आज भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो पंजाब की सूफ़ी ट्रेडिशन है उसमें शेख फरीद ये हमारे पहले शायर हैं बल्कि ये मैं कहूँ कि सारी पंजाब की जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उसके भी ये पितामह हैं क्यों गुरु ग्रंथ साहब में इनको लिया गया कहते हैं फरीदा खालक खलक में खालक खुदा खलक खलक फरीदा खालक खलक में खलक बसे रब माए मंदा किसनू आखिए जे तिस बिन कोई ना है ये संदेश जिसकी आज बहुत ज़रूरत है जो बात कल हो रही थी नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात कल हो रही थी आज के ज़माने में इस सूफियाना कलाम जिस पे कवालियाँ गाई जा रही हैं इनकी क्या रेलेवेंस है कौन कौन से सूफी शायर हैं खास करके विद रेफरेंस टू पंजाब
उनके बारे में थोड़ी मैं बात करूंगी, स्पेशल फिर बुले शाह पे बात करते हैं। तो बहुत तो नहीं रिसर्च हो पाई, कहा जाता है कि 70-70 ऐसे शायर हैं, लेकिन हम उंगलियों पे गिनते हैं तो नाम ख़त्म हो जाते हैं। अभी रिसर्च की ज़रूरत है। तो शेख फरीद जो हैं ये सबसे पहले हम मानते हैं। अभी 3-4 नाम धीरे धीरे और आने शुरू हो गए हैं इनसे पहले के भी, लेकिन अभी ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हुई। तो इन्होंने जो अपनी रचना करी है, मुझे जो बातें खुदा को लेकर, पखंड को, जा बोलते हैं काले मेंढे कपड़े, क्योंकि सूफी काला चोगा पहनते थे, काले मेंढे, खुद को एड्रेस करते हैं, ये इनकी शैली है। काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुण ही परया मैं फेरा, कितने मेरे में गुना है और मुझे क्या लोग कहें दरवेश। ये है जो सूफी खुद को कहते हैं, आपन को जो परखे सो पारखू जान, खुद नहीं परखना अपने को तो क्या परखा। तो ये अपने से, अपनी पहचान से, आत्म पहचान से चलते हैं सूफी पंजाब के। और दूसरी बात जो है, जो मुझे एक खास कहनी है, वो ये है कि जो सूफी शायरी अरब, ईरान, तुर्किस्तान से आई थी, और जब ये शायरी आते आते पंजाब में, हिंदुस्तान में, बोलिए पंजाब तो दूर तक था ना, पाकिस्तान तो था नहीं तब, सिंध था, पाकिस्तान नहीं था, पंजाब था। तो जब ये पंजाब में एंटर करते हैं तो जैसे हवा पानी बदल जाता है। वो शायरी जिसमें खुदा मशूका है, यहाँ कई बार दोनों ही पुरुष हैं, लेकिन यहाँ आते हैं, एन मेरी शिमल मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम में इसका जिक्र भी करती हैं, वो कहती हैं कि ये पहली बार ही हुआ कि जो आत्मा है, जो डिवोटी है, जो जिज्ञासु है, वो क्या है, वो एक औरत बन गई है। एक रंग बिल्कुल बदल गया है इस शायरी का, जब ये औरत, चाहे ये ब्याहता है, लाड़ी है, नई नई दुल्हन है, या गृहस्थ के झमेलों में पड़ी हुई औरत है, ये औरत अपनी बात कह रही है। अब शेख फरीद का ज़माना देखिए, उस वक़्त नाथ जोगियों ने औरत का जो हाल किया था, उसको बागन बघियाड़ी बोल के, बागन जिंदले, बागन बिंदले, बागन हमरी काया, खा जाती है औरत, औरत आदमी को खा जाती है। इस औरत ने क्या किया है, इसने 3 लोग में जाके पुरुष को छोड़ा नहीं, ऐसी चल रही थी। फिर यहाँ ये जो वामपंथियों का था, यौन पूजा हो रही है, औरत जो है टोटल इंटेलिजेंस है, मदरा है, ये हाल चल रहा है। उधर गोपियाँ हैं, कृष्ण हैं, गोपियाँ कृष्ण की बात के बिना हिल नहीं, कल भी सुन रहे थे कितना खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। इवन मुझे ये भी मैंने एक जगह पढ़ा था, तो स्टेमलर एक हैं, वो कोट करते हैं मेडिवल थियोलॉजी में कि जर्मन में चर्चेस पे जो एक बुत था, वो प्रिंस मुंडस का, तो वो कैसे इन्हीं सदियों में, 12 और 13 सदियों में क्या हुआ, वो बदल के फ्राबेल्ट नाम की एक लड़की में वो बदलता है, और शी सो ब्यूटीफुली डन, उसका स्कल्पचर है, उसने हाथ में एक वो लेला है, सुंदर सा एक पहना हुआ है शॉल, और पीछे ये पत्थर की मूर्ति में पीछे क्या है, पीछे बहुत गंभीर ड्रामने टाइप के सप कछ में, जो बहुत वो क्या है कि ये जो जो फ्लैश की हैप्पीनेस है, ये शी इज सिंबल ऑफ दैट। इस सिनेरियो में शेख फरीद क्या कर रहे हैं, शेख फरीद फॉर द फर्स्ट टाइम औरत की ज़ुबान में जब बात करते हैं, कहते हैं गलिये चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे न्यो, प्यार तो उसके साथ है, जाऊं कैसे, बारिश से क्या हुआ है, गली कीचड़ भरा हुआ है, चलूं तो भीगे कंबली, ऊपर जो शॉल जो कंबली सिंबॉलिक ऑफ कोर्स, चलूं तो भीगे कंबली, रहूं तो छूटे न्यो, क्या करूं। और इस द्वंद से सबसे पहले औरत जो है डिसीजन मेकिंग की, उसकी पावर कैसे बनती है, ये शेख फरीद पे है।
एक मिनट में ये दबंद आया, दूसरे मिनट में क्या कहते हैं, पिज्यो सिज्यो कंबली, भीगने दो ये कंबली आज भीगती है, पिज्यो सिज्यो कंबली अल्लाह वर्षे में, जाए मिला तिन सजना मेरा टूटे नाही ने। ये है शेख फरीद जो औरत के लिए जो ज़ुबान में बात, हम जानते हैं ये सिंबॉलिक है, लेकिन सिंबॉलिक में भी औरत को ये दर्जा देना, औरत को डिसीजन मेकिंग, खुद अपना फैसला करके जा सकती है, ये है सूफियों की शुरुआत में जो कंट्रीब्यूशन। उसके बाद शाह हुसैन एक और सूफी आए हैं। शाह हुसैन जो है वो हमारे पंजाब के कबीर हैं, जुलाहा ख़ानदान से हैं, और बहुत उनको ऐसे बोलते हैं कि जैसे कमज़ोर से, नाजुक से, बहुत डर के बात कहने वाले, किसी से पंगा नहीं लेते। कबीर तो कहते हैं लिया लुगाठी हाथ में खड़ा होता है, ये ऐसे नहीं, ये कहते हैं कि बागे दे विच फुल हज़ारा, मैं विच एक गंदूली, छोटा सा फूल कैसा, हुसैना किस बागे की तू, किस बाग की मूली है, मैं तो वो हूँ। लेकिन ये शाह हुसैन भी जब वर्ग चेतना की बात है, अमीर गरीब की बात है, इतना छोटी जात से उठ के भी ये शाह हुसैन कहते हैं, एक ऊंचे वर्ग का आदमी है, अमीर है, अकड़ता है, वो की अकड़ अकड़ चलना, क्यों अकड़ता है भाई, खाए खुराका पहन पोशाका, जमदा बकरा पलना, जितना मोटा बकरा होता है ना बकरीद पे, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती है। अरे तू सज रहा है, फबरा है, खा रहा है क्या तू? और देखिए ये सूफी क्या कर रहे हैं, एक साइड पे क्या है कि उसको याद दिला रहे हैं अमीर को, ये वर्ग चेतना देखिए इनकी, कि तू क्या समझता है, आखिर तेरी मौत तो होनी है ना, उतना ही मारने में, बकरे को काटने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूसरी तरफ क्या है, ये जो लोकाई, ये जो ज़मीन के लोग हैं, इनके अंदर से वो भय ख़त्म हो रहा है, अरे ये भी बकरा है, हम भी बकरे हैं, क्या बात है। ये है शाह हुसैन। और फिर एक बात और कि शाह हुसैन का जो मुर्शद कहूँ या उसका बहुत करीबी माधोलाल, वो एक हिंदू था, ब्राह्मण था, बहुत इनकी, ये तो फिर जैसे कलंदर कल बता रहे थे ना, ये तो फिर लाहौर की गलियों में ये सर पे कुरान उठाए, गेरुए रंग के कपड़े पहने, ये तो गली गली अपने ब्रह की बातें करते रहे। और जब देखा कि उसने मेरी बात नहीं मानी, तो ये मुर्शद जो है जब रूठता है तो मनाने वाला क्या कहता है, कहता है मित्रां दी मिजमानी खातर, ओ दोस्त के लिए मैंने क्या किया, उसकी आओ भगत के लिए, मित्रां दी मिजमानी खातर दिल दा लहू छानी दा, ये दिल का जो खून है उसको छान लिया के बीच में कोई मांस मांस के, कड कलेजा कीतम बेरे, टुकड़े कर दिए कलेजे के, कड कलेजा कीतम बेरे, सो भी लायक नहीं, एंड यू डोंट जस्ट गिव अ डैम टॉट, तुम्हें है ही नहीं इसका, सो भी लायक नहीं, तुम इसको पहचान देखते हैं, पियो कटोरा पानी का, जा पर दफा हो जा, पानी पियो और जाओ भागो। ये है सूफियों का अंदाज। और इसी अंदाज में सुल्तान बाहू आगे आते हैं तो एक एक पे बोले तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस ट्रेडिशन के बारे में, इसके बाद सुल्तान बाहू आते हैं, ये थोड़े संजीदा है, ये फिलोसॉफिकल बात इन्होंने ज़्यादा करी है। लेकिन मुर्शद के लिए तो हर सूफी कुर्बान है, कहता है बाहू ए तन मेरा चश्मा होवे, चश्मा आँख को चश्मा बोलते हैं आप जानते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शद वेख न रज्जा हूँ, लूनू दे मुड एक एक रोम में लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ, आंख बंद होती है ना उतने भर के लिए भी, एक खोला एक कज्जा हूँ, इतना डिठिया, इतना इतनी बारी देखने से भी इतना डिठिया चैन ना आवे, होर किते वल भज्जा हूँ, क्या क्या मैं और ना कर दूँ, क्यों, क्योंकि मुर्शद का दीदार बाहू मुझे लाख करोड़ा हज्जा हूँ, हज। ये जो शरीयत के पांच खास जो मानते हैं, कलमा, नमाज, रोज़े, हज और ज़कात, उनमें है। तो ये जो
اپنے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیے جانے. اور پھر کل میں نے بات بھی کری تھی عشق اور ایمان کی بات. ایمان کو صوفیوں میں ایمان کو علم کو قرآن شریف میں بھی اس کی بہت ہے بات کری ہے. تو یہ الٹی بات کرتے ہیں صوفی, یہ کہتا ہے ایمان ویمان کچھ نہیں ہے. تو حیران ہے, کہتا ہے ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. عشق کی بات تو کوئی کوئی کرتا ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. منگن ایمان شرماون عشق, عشق سے شرماتے ہیں دور بھاگتے ہیں, میرے دل کو غیرت ہوئی ہو. کہتے جس منزل نو عشق پچائے ایمان خبر نہ کوئی ہو, میرا عشق سلامت رکھیں باہو ایمان کو دے دوں دھروئی. جاؤ جاؤ ایمان, مجھے ایماندار نہیں بننا, مجھے تو عاشق بننا ہے. یہ عاشق ہیں صوفی, عاشق ہیں. اور پنجاب کے پنجابی کے صوفی تو بہت بڑے عاشق ہیں, یہ عشق کے ودوان نہیں ہیں, یہ تو عاشق ہیں. یہ جب آئے ہیں پنجاب میں انہوں نے پنجاب کو بیگانگی سے نہیں دیکھا ہے, یہ دھرتی کے سپوت بنے ہیں. انہوں نے سوامیوں کی نظر سے, کیونکہ آئے تو جیت کے تھے, آ گئے تھے غلام بن گئے تھے ہم یہاں کے لوگ, لیکن پھر بھی کیا ہے انہوں نے جیت کے سوامیوں کی نظر سے پنجاب کو کبھی نہیں دیکھا. دھرتی کے پوتوں کی طرح اس کے دھرتی کے جشن کو منایا ہے, یہاں کی پراکرتی کو دیکھا ہے, یہاں کے فوک جو 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 ہمارے کاوی روپ ہیں یونرز ہیں ان کو دیکھا ہے, یہاں کی بھاشا کو دیکھا ہے. انفیکٹ فرید جو ہیں یہ فرسٹ ہندوستانی شاعر ہیں صوفی ہیں جنہوں نے پہلی بار یہاں کی بھاشا میں, پنجابی ہے کھیتری بھاشا میں, کسی اور علاقے میں تب تک اس علاقے کی زبان میں بات نہیں کری گئی تھی. یہ شیخ فرید کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, پہلے ہیں وہ ہندوستان میں جنہوں نے آ کے یہاں کی بھاشا میں. اب اگلا صوفی ہے بلے شاہ, یہ میں تھوڑا یہ سیکوینس پہ بتا رہی ہوں. ایک اور صوفی کی بات کر لیتی ہوں پھر بلے شاہ پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں. جو لاسٹ صوفی ہے, ویسے تو بیچ میں علی حیدر بھی ہے, ہاشم شاہ بھی ہے, تو فرد فقیر بھی ہے, ایسے وجید بھی ہیں, لیکن سب کی بات یہاں ہو نہیں سکتی. ایک صوفی کی اور تھوڑی سی بات میں کرتی ہوں, وہ غلام فرید ہے. غلام فرید تک پہنچتے پہنچتے ہم لوگ بیسویں صدی کے در پہ آ گئے ہیں جیسے, کیونکہ 1901 میں ان کی جو ان کا جو جوتی جو سمائے ہیں ان کا یہ فوت ہوئے ہیں, یہ گئے ہیں. تو یہ ایک فقیر ایسے ہیں جنہوں نے سرائیکی میں زیادہ بھاشا میں کرا ہے, اور 30 سال تک یہ بھی گدی پہ بیٹھے ہیں. ان کی مجھے ایک بات, ویسے تو اتنی گوڑ سرائیکی ہے سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ایک بات ہے جو 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 کلوکیل بھاشا میں جو مٹھاس ہے اس کا جو انداز ہے, میں ایک پیرا ان کا آپ کے ساتھ پڑھوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. کہتے ہیں, دو لائنیں ایک اور پڑھتی ہوں, کہتے مینڈا عشق بھی توں, مینڈا یار بھی توں, مینڈا دین بھی توں, ایمان بھی توں, مینڈا جسم بھی توں, مینڈا مینس میرا, مینڈا جسم بھی توں, مینڈی روح بھی توں, مینڈا قلب تے جند جان بھی توں. یہ ہے, اور یہ ان کا ایک اور جو بہت ان کو اس سے تکلیف ہے, کہتے ہیں ماڈی دلڑی اڑی. یہ دل نہیں یوز کر رہا, دلڑی کہنے سے چھوٹا سا معصوم سا کومل سا دل, یہ دل تو بڑا شیر جیسا بھی ہو سکتا ہے. شبد جو یوز کر رہا ہے اس میں دیکھیے, مانڈی دلڑی اڑی, کس کے ساتھ میرا دل جو ہے اٹک گیا ہے, الجھ گیا ہے. مانڈی دلڑی اڑی یار سجن دے سانگ, اس کے ساتھ میرا دل جو ہے اٹک گیا ہے, کیا کروں. جیندی میلا رب کرم جے ہو جتن دے سانگ, اس سے ملاپ ہو, میں کتنے بھی جے ہو جتن کوششیں کر لوں لیکن جیندی میلا رب کرم, جب وہ کرم نہیں, جب وہ بخشش نہیں کرے گا کہاں میں مل پاؤں گا اس سے.
ਜਿਹਦੀ ਮੈਲਾ ਰੱਬ ਕਰਮ ਜਹੋ ਜਤਨ ਦੇ ਸਾਗ। ਆਗੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਹਤਾ ਨਾਜ਼ ਵੇ ਢੋਲੋ, ਨਾਜ਼ ਵੇ ਢੋਲੋ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਕੈਸੇ ਤੋਂ ਨਖਰੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਊਂ ਮੈਂ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਇਸਕੇ ਨਾਜ਼ੋ ਨਖਰੇ। ਨਾਜ਼ ਵੇ ਢੋਲੋ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਹਰ ਹਰ ਵਨ ਦੇ ਸਾਗ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮੋ ਕੇ ਯੇ ਸਾਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਭੁੱਲੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਆ, ਸਕੜੇ ਸੋਹਰੜੇ ਸਗੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲੇ, ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਮਾਇਕਾ ਵੀ ਭੁੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ, ਭੁੱਲੜੇ ਸਕੜੇ ਸੋਹਰੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਕੇ ਸਾਂਗ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੈਸੇ ਸੂਫੀਓ ਮੇ ਕੈਸੇ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ। ਯਹਾਂ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਥ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਜੁੰਜਾਰ, ਉਸਕੇ ਗਲੇ ਮੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਮੇ ਗਊ ਚਰਾਵੇ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਾਜੀ ਬਨਾਵੇ। ਯੇ ਹੈ ਸੂਫੀਓ ਕੀ, ਯੇ ਹੈ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਯੇ ਹੈ ਜੋ ਆਜ ਹਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਯੇ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵਾਰੇ ਹਮ ਮੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਘੇਰਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੇ ਹੈ ਸੂਫੀਓ ਕੀ ਮੇਨ ਦੇਨ, ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ, ਜੋਗੀਓ ਮੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਤੋ ਥੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਹੀਰ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਸੂਫੀਓ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਮਿਥਸ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਓ ਲੋਕ ਨਾਇਕੋ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਤੇਂ ਬੜੀ 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 ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਾਤੇਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਜੋਗੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ, ਰਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਹਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ। ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਥਾ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਭੁੱਲਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੇ ਆਤੀ ਹੂੰ, ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੈ 1680। ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇ ਚਲੀਏ ਤੋ ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ, ਇਹ ਜੁਗ ਗਰਦੀਓ ਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਕਿਆ ਹੈ 1675 ਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯਹਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟੋਂ ਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ੁਲਮੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਾ ਭਟਕਨੇ ਕਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੋ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਔਰ ਬੇਟੀ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਸਾ, ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕਾ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਂਖ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ 1680 ਕਾ ਵੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 1707 ਮੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰ 1708 ਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛੋੜਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਪਹਿਚਾਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਏਕ ਕਿਓਟਿਕ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਬੁਲੇ ਨੇ ਬੁਲੇ ਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਕਲੇਮ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜਬ ਗਾਇਆ ਬੁਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਸੇ ਲੈ ਲੇਤੀ ਹੂੰ। ਤੋ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਇਹ ਯੇ ਗਿਲਾਨੀਓ ਮੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਕੇ ਮੇ ਹੁਆ ਯੇ ਬਾਤੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਤਾ ਇਤਨੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ। ਮਾਇਨੇ ਕਿਆ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਫਾਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਮਾਮ ਹੈ ਮਸੀਦ ਕੇ, ਸਖੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕਾ ਮਸੀਦ ਮੇ ਜਾਣਾ ਵੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਖਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੋਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕੜੇਗਾ ਤਦ ਓਟ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਕਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਤਾ ਪੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸ਼ਾਹੀ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਇਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ,
कैसी ना कैसे कैसी ये कंडीशंस, कैसा ये बदल गया, सब पाखंडित तो हो गया, क्या हो गया, ये नमाज, ये रोज़े, ये कुरान शरीफ पढ़ना, ये पंडितों का, ये सब कुछ डगमगा गया है। ये वो समय है जिसमें, इसलिए बुले शाह की आवाज़ जो है उसका एक विद्रोही तेवर है, उसका अपना ही तेवर है, बगावती तेवर बोल दो उसको, उसमें एक खुरदरापन है। और फिर ऐसी कठोरता से बुला सामने आता है कि हमारे जो आत्म स्वीकार के बहुत से पाखंड है वो टूटने लगते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, हम कर क्या रहे हैं। ये है बुला, उसकी स्पष्ट सपाट बयानी है जो, और उसका जो मुर्शिद है, अब मुर्शिद के साथ उसका जो रिश्ता है ये कमाल है, बहुतों के हैं। एक जलालुद्दीन रूमी और शब्बस तबरेज़ की बातें बहुत होती हैं, और दूसरा कईयों ने तो बुले शाह को भी पंजाब का रूमी बोल दिया है, बुले शाह को भी लाजवंती, डॉक्टर लाजवंती रामाकृष्णन ने सूफी पोइट्स में उन्होंने इनको पंजाब का रूमी बोला है। और इन्हीं बातों से बुल्ले को काफिर कहना शुरू कर दिया, ये तो काफिर है। और बुले शाह कहता है, बुले आ तेनू काफिर काफिर आख दे, तू आहो आहो आख, मान जा ना, मान मैं हूँ। यहाँ मुझे गाई की बात, क्योंकि मैं पाकिस्तान में गई, वहाँ मैंने ये बात करी तो वहाँ एक कवाली वाले आए थे, कहते आपको पता है कि गाने से क्या हो जाता है। मैं क्या क्या होता है, कहते गायकी में हम कहाँ पॉज दे देते हैं, मायने ही बदल जाते हैं। मैंने कहा मतलब, कहते अब देखिए आप, बुले आ तेनू काफर काफर आख दे, अरे बाप रे, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे वहां की याद आती है, ये तो सारी बात ही बदल गई। ऐसे ही इस्लाम में बुले शाह ने एक काफी लिखी है, तौबा ना कर यार, ये कैसी तौबा है, ये तौबा अपने गुनाहों से तौबा। ये गायकी में वहां एक बात नहीं देखी, कहते तौबा 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 ना कर यार, तौबा तो करनी चाहिए। और यही मना दिया उन गायकों ने, तौबा तौबा, सबने कहा हाँ भाई तौबा तौबा तौबा, कहते ना कर यार, ये कैसी तौबा है, नित पढ़ दे इस्तगफार, ये कैसी तौबा। आगे खैर बहुत लंबी है वो काफ़ी, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं वापस आती हूँ। बुले शाह ने जो रचना रची है उसमें इनकी जो यौनर है उसको हम काफ़ी बोलते हैं, उन्हीं काफ़ियों को गीत बोल लो, उनको कवालियों में गाया है। ये 156 जो ऑथेंटिक ये है, कोई 170 कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने उन्होंने लेटेस्ट फ़कीर मोहम्मद फ़कीर उन्होंने बोल दिया है कि 156 जो रिसर्च के बाद मिली हैं वो हैं, सी हरफियाँ लिखी है, सी हरफी पर्शियन है, सी मैंने 30-30 हरफों के साथ, पहले शब्द के साथ अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, अलफ बे पे ऐसे, तो ये उनकी तीन हैं, दोहड़े हैं, दोहड़े जैसे हमारी गज़ल के शेर होते हैं दो दो लाइनों के, तो ये उनके 49 हैं, एक 12 माशा जो ऋतुओं के साथ चलता है, और एक 7 दिन होते हैं हफ्ते के, लेकिन जिस दिन से शुरू शनिवार शुरू हुआ शनिचरवार ही ख़त्म होगा, तो 8 दिन अठवारा उसको बोलते हैं वो है। और एक और है उन पंजाबी में बोलते हैं उसको गंडा गांठे, तो ये बड़ी मज़ेदार है। जब दिनों जिन दिन दिनों में लोगों को गिनती वगैरह नहीं आती थी, तो अगर लड़की की शादी जो है वो हो गई आज से 30 दिन बाद या 60 दिन बाद, तो एक लंबी जो है वो कह लो पगड़ी ले लो, चुन्नी ले लो, या लंबा कुछ, उस पर 60 या 40, बुले शाह ने 40 लिखी हैं, 40 गांठे डाल देनी। हर रोज़ उस लड़की ने उठना है, सुबह एक गांठ घोलनी है, और शादी नज़दीक आ रही है, उसके लिए दिल में क्या क्या हो रहा है उसको बयान करा है। तो ये 40 गांठें हैं बुले शाह के। अब आइए कि ये बुले शाह क्या करता है। कहता है सचमुच लठ लेके खड़ा है, धर्मशाला
वो प्लेसेस होते थे जहाँ धार्मिक अच्छे काम और लोगों को खाना खुराक भी मिलता था, धार्मिक जगह बन जाती थी। तो कहता धर्मशाला धड़वई वसदे, धाड़ भी आ गए हैं। कैसे? धर्मशाला धड़वई वसदे ठाकर द्वारे ठग। और खुद को कैसे निकालता है? कहता है बिच मसीते, मसीत में, बाप मसीत का है ईमान, बिच मसीते रैन कुसत्ये, महा झूठे लोग हैं वो मसीत में है। बिच मसीते रैन कुसत्ये, आशक रैन अलग। आशक जो है वो किसी के साथ जो है वो नहीं। और बुल्ले का तो मैं क्या क्या बताऊँ आपको। अब एक लड़कियाँ जो हैं वो स्पिनिंग करती हैं, उनका त्रिंजन इकट्ठी बैठ के गांव में उन्होंने एक पेड़ के नीचे जैसे इकट्ठी बैठती हैं, चरखा काटती हैं, कढ़ाई करती हैं, बातें करती हैं। ये त्रिंजन ऐसे है जैसे आज के हमारे मल्टी स्टोरी ये जो हाउसेज हैं और उनमें छोटी सी बालकनी होती है जहाँ जाके सांस लो, आसमान देख लो। ऐसा त्रिंजन उस मेडिवियल क्लोज सोसाइटी औरत के लिए जो थी उसमें ये त्रिंजन ऐसे था। मुझे एक बात याद आ रही है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में ये फोकलोर का उन्होंने डिपार्टमेंट सेट करना था, तो वहाँ प्रोफेसर ली है वो हमारे दिल्ली में आए डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक बात बताई। कहते हम लोग कर रहे थे तो हमने कहा फुलकारियाँ कढ़ाई करते हैं ना, और बाग फुलकारियाँ शायद आप लोगों को कुछ को मालूम होगी। तो कहते मैंने अपनी साथ एक लेक्चरर को बोला चलो हम सब सेट करेंगे, चरखा भी दिखाएंगे यहाँ पे, तो फुलकारियाँ लेके आओ। वो फुलकारियाँ लेने जाती है अपनी दादी से तो पैटर्न देख रही है, तो वो धागे से जो फूल वगैरह निकाले हैं अलग अलग धागों के, कहती है दादी ये क्या, यहाँ तो पैटर्न, ये तो डिज़ाइन ही फ़र्क पड़ गया, ये तो मिलता ही नहीं है। और जो उसकी दादी ने कहा ना, कहती पंजाबी में बोली तीए कादे रंग ते फुल पैटर्न, ये तो अपने मन नाल कीतियां उच्चियां नीवियां गल्लां ने। ये है त्रिंजन जिसको ये सूफी लेके आए हैं। ये क्योंकि सूफियों की जल्दी कर दो त्रिंजन की बात, तो ये जो ये त्रिंजन देखो कितने डायमेंशंस इसकी सूफी में आती। अब त्रिंजन वो जगह है जहाँ बुझाइयाँ जो हैं भाभी वो आती जाती हैं, जहाँ नंदे या बेटियाँ बोलो बेटियाँ जाती हैं, बेटियाँ जा रही हैं, भाभियाँ आ रही हैं। संसार का ये सिस्टम देखिए, कुछ इंसान आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, ये त्रिंजन उस संसार की कारव्यवहार की एक सिंबल बनती है यहाँ पे। फिर त्रिंजन देखो, त्रिंजन जो है त्योन संस्कृत रूट से लेकर जहाँ वन करीड़ा वो राजों का टाइम है, लड़कियाँ जो है वो खाती पीती ऐशो इशरत ये सब ऐसा राजों के महल हरमों की बात वो है। और यहाँ क्या कर रही हैं ये तरिंजन में लड़कियां जो बैठी हैं, औरतें जो सूफियों ने इस तरिंजन को लोक काव्य से इन्होंने लिटरेरी काव्य में जब लाए हैं तो इसका मुहावरा बदल गया। इसको ये लड़कियां पैरासाइट्स परजीवी नहीं हैं, ये दूसरे की यहाँ बैठ के क्या करती हैं। माँ कहती है कत कुड़े चरखा काट ले ना, वत कुड़े क्या होगा, छल्ली ला जो काट के वो सूत का एक गोटा बनाती है, घोड़ा जिसको बोलते हैं, उनसे फिर कपड़ा बुना जाता है और वो बुनाई करके दहेज में लेके जाना है। अब वो तरिंजन की लड़की जो है वो क्या है, यो वो अपनी पैसे की इकोनॉमी में जो मदद कर रही है वो कीर्ति बन गई है, वो ऐशो इशरत वाली वो लड़की नहीं, तरिंजन का रूप बदल गया है इन सूफियों ने जो तरिंजन में लड़की। फिर क्या है, मन की बातें करती है, चरखा जो है हत्थी तिलक गई मेरे चरखे दिए, चरखा शरीर बन गया है, मैं तो कत्या मूल ना जाए मुझसे, तो अब ना तो भक्ति होती है ना जिक्र ना उसका सिमरन होता है, मैं क्या करूँ, ये चरखे ने पुराना होना है, कातलो ना कतो चरखे। ऐसे
مال ہے اس کے سیرو ہے ان کا سب الگ الگ جو سمبولک میننگز ہیں تو ترنجن میں بیٹھنا ماں بیٹی کو سکشا دے رہی ہے بیٹھ جا کر لے جے پونی پونی کتیں گی تو ننگی مول تو کیسے بنا دہیج کے نہیں جائے گی نہیں تو تیری وہاں پہ کوئی قدر نہیں ہوئے گی لیکن یہ بھی ہے بلے شاہ اس کو الٹ بھی کر دیتا ہے ایک جگہ پہ ماں بیٹی کو سکشا دے رہی ہے دوسری جگہ پہ کہتا ہے اوے یار جنا عشق تنا کتن کہا البیلی کیوں کتے یہ ہے بلے شاہ وہ کہتا ہے داج زوہر اساں کی کرنا ہمیں نہیں ضرورت داج کی بول کے تو دکھاؤ ابھی تک آج کے زمانے میں بھی گورنمنٹ نے لاکھوں بار لگا دیا دہیج کے خلاف ابھی بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ماں کے دل میں ہوتا ہے ہاں اور بھی کارن ہے سو یہ ہمارے صوفی اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کتنے پروگریسو ہیں یہ بات کرتے ہیں تو بلے شاہ کا ہے کیونکہ اس تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا اس لیے میں اس پہ آ جاتی ہوں ہاں ایک بات اور واہ واہ مرشد کے لیے دیکھو ایک تو بلے شاہ ودروہی ہے اس کے تیور ودروہ والے ہیں سمے کے ساتھ جو کرتا ہے دوسرا مرشد کے لیے اس کی جان نکلتی ہے تیسرا اس کی ودھی جو بولتے ہیں اس میں بھی ویانگ ہے اس کی درشٹی میں بھی ویانگ ہے اور یہ کیا لیکن دیدار مرشد جو ہے اس کے لیے اس کی کتنی جان نکلتی ہے کیا ہے ہم نے دیکھا باڑی وے طبیبہ مینڈی جند گئی تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا چل چھئیاں 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 وہی والا فلموں نے ہمارا ہائی جیک کرا ہے بہت کچھ سو کہتے ہیں ایک کیونکہ ان کی یہ انقلابی مدرا اس سے ان کے مرشد جو تھے شاہ عنایت قادری پہلی بات تو وہ شاہ عنایت قادری جو تھے جیسے ورگ چیتنا میں بات کرو تو وہ مالی تھے شالیمار باغ کے مالی تھے بلا بھٹک رہا تھا جب اپنے مرشد اچھے گرو کو تو کسی نے بتایا کہیں کہیں کہاں کہاں ہو کے آیا تو وہ جو پیاز پنجابی میں بولتے ہیں گھنڈیاں دی پنیری لگا رہے تھے پیاز جو ہے وہ بھیج رہے تھے تو بلے شاہ جا کے بولتا ہے شاہ جی رب دا کی پونا اس خدا کو کیسے ملیں کیسے تو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہتے ہیں پنیری جو ہے ایک سائڈ سے دوسری لگاتے ہیں نا کہتے بولیا رب دا کی پونا ادھرو پٹنا تے ادھر لانا اتنی ہی سی تو بات ہے مشکل تو نہیں ہے اپنے کو ادھر سے ہٹاؤ اور ادھر لگ جاؤ بس یہی تو کرنا ہے تو یہ ان کے پیر ہی پڑ گیا تو پھر لوگوں نے کہا کیونکہ بلے شاہ سید گھرانے کا ہے اور اس کی بڑی چرچا کوچرچا اس کو بہت کچھ کہا گیا اور بلے شاہ نے یہ جو صوفی ہیں نا انہوں نے ناری سنسکرتی میں کئی بار ہی سوچتی ہوں کہ عورتوں کا سارا کچھ ہی ان کی دن چریا ان کا سوچنا ماں بیٹی کی بات سخی کی بات یہ باتیں ایک دوسرے سے کرتے کرتے کیا کیا بڑی بڑی باتیں کر جاتی ہیں یہ عورتیں ان کو سر لتھ بنایا ہے بلے شاہ نے وہ کیا ہے اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتی ہیں تو کیا ہے کہتا ہے ہاں تو یہ جو ان کے مرشد ہیں شاہ عنایت ناراض ہو جاتے ہیں بلے سے کہتے تو مانتا ہی نہیں ہے سما دیکھو کیسا ہے بہت اچھل اچھل کے یہ اچھلنا ہم منصور جس نے انہل حق کہا تھا یہ ویسا ہی کچھ ہے تو بلے شاہ کو بولتے ہیں کہ یہ منصور ہی تو ہے یہاں کا کہتا ہے اس کے گرو نے نا اسے منہ موڑ لیا کہتا ہے تو قابل ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کرنے اب یہ مرشد روٹھ جائے تو باپ رے یہ تو بہت کہتا ہے بس کر جی ہن بس بہت تو ہو گیا کوئی گل اساں نال ہس کے تو کرو نا بس کر جی ہن بس کر جی کوئی گل اساں نال ہس کر جی تسی چھپ دے ہو اسی پکڑے ہاں تسی اجے چھپن نو تکڑے ہو ہن کدھر جاسو بھاگ کر کدھر جاسو نس کر جی بس کر جی ایسا کرتا بلے شاہ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی نہیں مانتا کیا کروں اب مرشد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کیونکہ جو چشتیوں کا سما ہے قادری اور چشتی دو سلسلے پنجاب میں بہت جانیں گے اپنے میوزک کے لیے
संगीत के लिए, संगीत में कादरी तो नाचते भी बहुत थे। और क्या है, बुले शाह ने एक लाहौर की मशहूर वेशवा थी जो बहुत अच्छा डांस करती थी, तो उसके पास जब जाता है तो कहता है कंजरी बनया मेरी इज्जत ना घट दी ते मैनू नच के यार मना मन दे। ये है बुले शाह। और जब इसने उसे नाचना सीख लिया तो गया है मस्जिद में, इसको पता चला गुरु मेरा अंदर है, तो बुले शाह ने साड़ी बांध ली, औरत बन गई और चला गया। तो जब वो बाहर निकलने लगे इसके मुर्शिद, तो बुले शाह ने ऐसे रास्ता रोक लिया, तो उन्होंने लगा कि ये औरत, अच्छा चलो वो बेचारे शरीफ आदमी, वो उन्होंने कहा मैं पिछले गेट से चले जाता हूँ। बुला भाग कर पिछले गेट में चला गया, वहाँ भी रुक गया। मैंने कहा ये तो बदमाश बुला ही है। कहते ओ तू बुला है? नहीं जी मैं भुलाया, मैं तो भूला हूँ। तो ऐसे बुला जो, फिर एक बात और जो बुले शाह उल्टी बातें करता है, हमारे यहाँ घूंघट निकालना, ये हमारी शादियों पे हम लोग घरों में भी जानते हैं, और जो पहला घूंघट है वो उसका आदमी उठाता है, हस्बैंड उठाता है, वो एक बड़ी प्यारी सी वो घड़ी है। और बुले शाह क्या कर रहा है, बुले शाह ने घूंघट उठाने की ये सारी रस्म जो है उसको अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ औरत कह रही है घूंघट चुको सजना हुन शर्मा कानू रखिया। ये है बुले शाह उल्टी उल्टी बातें करता है। ये है बुले शाह जिसको गाने के बाद, क्योंकि क्योंकि जो 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 पंजाब की नायिकाएं हैं, चाहे सस्सी है, चाहे सोनी है, सोनी मेहवाल, चाहे हीर रांझा है, ये बड़ी सिरलथ नायिकें थी। और इनसे क्या करा है बुले शाह ने, पैट्रियार्की को चैलेंज करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करती हैं ये नायिकें, इनसे बड़े बड़े काम लिए हैं। ये है तो सूफी, क्या है जी ये सूफी है, ये तो बेचारा है, ये तो कुछ नहीं, हम लोग अक्सर कोई शराब नहीं पीता, बहुत भोला है, ये तो सूफी है। ये देखिए सूफियों ने क्या क्या काम किए हैं, ये सूफियों ने इंटेग्रेशन से लेकर चैलेंजेस से लेकर क्या क्या काम किया है। अब मैं आती हूँ उस काफ़ी पे, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, जिस काफ़ी के लिए बुले शाह इतने लोग गाते हैं, और गाने से उसकी क्या क्या जो लेयर्स, क्या क्या उसके पड़ाव बनते हैं, वो है बुला की जाना मैं कौन। ये एक ऐसी काफ़ी है जिसमें ये ज़ात की पहचान का संकट है इस काफ़ी में। मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया है कि जो बुले शाह का समा है वो कैसे कैसे अलग अलग पहचानों का एक क्योस, एक घड़मस जिसको हम बोलते हैं, कैसा। और बुले शाह ने क्या किया, बुले शाह ने उन सारी पहचानों को नकार दिया है। कहता है क्या क्या, कहता है बुला की जाना मैं कौन, आई नो नॉट हु एम आई, क्या कौन हूँ मैं, मुझे नहीं पता भाई मैं कौन हूँ। और कहता है ना मैं मोमन विच मसीता, और कौन चाहेगा अपने आप को मोमन ना कहना। और मोमन जो है वो क्या है, खुदा पे ईमान रखने वाला है भाई, श्रद्धावान है वो, आस्तक है वो, रब दे हुकम, रब के आदेश को मानने वाला है भाई। और क्या, जिन बातों पे उसको मना किया है उन बातों को ना करने वाला, मनाइयों को ना करने वाला है भाई, और वो उसकी मर्जी में खुश रहने वाला है भाई, ये मोमन है। और मोमन की ये डेफिनेशन को नकारा, ना मैं मोमन विच मसीता, और क्या ना मैं विच कुफर दियां रीता, कुफर कुफर तोलना, काफिर होना, बेदीन होना, नास्तिक होना, कैसा है अपने को क्या बोल रहा है, मैं क्या है, इनफाइडेलिटी इज नॉट माई टास्क, मैं उनमें भी नहीं हूँ, ना मैं पाका विच पलीता, क्यों जो ठीक पाक जो 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 पवित्र लोग हैं, जो सच्चे सुच्चे लोग हैं, मैं उनमें भी नहीं हूँ, ना मैं पाका ना पलीत, पल्यूटेड जो those who are soaked in sin, गुनाहों में, मैं उनमें भी नहीं हूँ, तो क्या हूँ, ना मैं मूसा ना फिरौन। बुले शाह ने इश्क को लेके बहुत सारी काफ़ियाँ लिखी हैं,
और बहुत सारी जगहों पे इसने सारी हिस्ट्री तो लिख दी है। और कहता है इश्क करने चले थे ना मरे हो, रो रो वे इश्क का मारे आई, क्या क्या मंसूर तुसा वाला आया सी, तुसा सूली पकड़ चढ़ाया सी, यूसुफ को, यूनस को, आप कितने शमस तबरेज को, कितने लोगों को ये इश्क के राह पे चलते हुए क्या क्या ना। तो कहता है इश्क तो जो है वो तो भगेला है, इश्क इश्क भगेला तन अंदर वड़िया किन कुहावी काती, जो 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 काटने वाली डबल एज की कैंची है ना वो लेके पड़ा है, काटता है मुझे ये है, और सारी हिस्ट्री ये बंद कर देता है। और बुले को एक समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या, मंसूर को भी चढ़ा दिया सूली पे, कितने कितने जो फकीर दरवेश खुदा के अच्छे लोग हैं उनको ये क्या कर रहा है खुदा, क्यों ऐसे हो रहा है। उसको लगता है कहीं तो गड़बड़ है, कहता है खुदा बदल गया है, वो वैसा ही नहीं रहा। फिर उसको कभी लगता है नहीं, ये मुसलमानों के आचार व्यवहार में कमियां आ गई हैं, हम लोगों का जो पाखंड है, हम लोगों की जो बेईमानियां है, हम लोगों का ऊपर से और अंदर से और ये नहीं है। बुले शाह अपनी गिनती घटियों में पड़ा हुआ इन बातों को करता है, इसीलिए इन बातों से बुले शाह इस काफ़ी में सारी पहचाने जो है सारी बकवास कहता है। नाम है मूसा, अब मूसा जो है यहूदियों का पैगंबर हम सब जानते हैं, चार किताबें जो हैं वो हम कई बारी हम लोग क्लास में पढ़ाते थे ना, तो कहता है हाजी लोग मक्के नू जांदे असा जाना तख्त हजारे, बुला कहता है जित वल यार उते वल मक्का पावें फोल कताबा चारे। अब किताबें मैंने क्लास में एक बार पूछा बच्चों से, मैं कहा ये कौन सी किताबें हैं, कहती जी चार वेद ऋग्वेद फला फला, मैं क्या भाई ये बात बुले शाह कर रहा है, ये वो किताबें नहीं हैं, चार वेद भी हैं लेकिन चार किताबें कौन सी हैं, ये तौरेत है, ये जंबूर है, ये बाइबल है अंजील जिसको बोलते हैं, और ये कुरान है, ये चार किताबें हैं जिनकी यहाँ पे भी वो कहता है क्या है कि मूसा मैं नहीं हूँ, मूसा को जैसे हज़रत मोहम्मद साहब को और बाइबल के लिए ईसा को जैसे इल्हामी बानी उतरी थी, जैसे जंबूर तौरेत को उतरा था, कहता मैं जो 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 तौरेत है वो मूसा को उतरी है, इल्हाम से बानी उतरी है। तो इसका जिक्र कहते हैं कुरान और बाइबल में भी है कि यहूदियों के उस पैगंबर को जो बानी उतरी थी तौरेत जिसका नाम है वो रबी है। तो क्या है ये तौरेत, ये जो ईसा से 1571 साल पहले हुए हैं मूसा, तो ये मूसा ये दो लफ्ज़ों से बने हैं। तो मुँह मैंने ताबूत जिसमें वो डाल के मैयत जो मुर्दा को लेके जाते हैं, और सा मैंने पानी है। जब ये पैदा हुआ तो मैं कई बार हैरान होते हो, देखो हमारे यहाँ जब कंस पैदा हुआ था तो कैसे कैसे छोटे बच्चों को सबको मरवा दो, ऐसी ही बात तब भी हुई थी। तो तब फिरौन जो बादशाह ऐसा ही था, वहाँ का कंस था जिसने का क्या है, तो वहाँ के जो इसराइल में कोई भी नया उस वंश का बीज नाश करना है, सबको मरवा देना है, तो मूसा की माँ जो है वो डर जाती है। तो क्या करते हैं, इसको ताबूत में डाल के नील नदी में चढ़ा कर देते हैं। तो वो अलग बात है, मिस्र की शहजादी जो है वो सड़क वो नील नदी के किनारे में वो ले जाती है, वो अलग वो दूसरी बात है, देर यहाँ नहीं मैं कहूँगी फिर उलझ जाएगी बात। तो ये क्या है, फिर ये कहता है ना तो मैं मूसा बनूं ना फिरौन, मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं। कहता है ना मैं अंदर वेद किताबा, ये जो हिंदुओं के वेद हैं, ना मैं विच पंगा शराबा, हर तरह के नशे जो है मुझे कुछ भी, क्योंकि एक इलाही नशा है ना, एक दूसरा नशा है, ना मैं रिंदा मस्त खराबा, रिंद भी आप जानते हैं तो क्या है, उनमें भी मैं खराब होने वाला नहीं, और ना मैं जागन, कई लोग जागते ही रहते हैं, और कहता है ना मैं जागन जो ज़्यादा सो के खुद उनमें भी नहीं हूँ, ना मैं शादी खुशी के मौके में भी, मैं खुशियों से भी तंग आ चुका हूँ, ना गम ना की, गमों से भी मैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं विच पलीती पाकी, पलीत वही पल्यूटेड गंदे लोग, पाक वही पवित्र लोग, उनमें भी नहीं हूँ, ना मैं आबी, आब मैंने पानी,
نہ پانی پہ نہ خاک پہ رہنے والے سمادھیاں لگانے والے، نہ میں آتش جو آگ کو پوجنے والے لوگ ہیں نہ میں ان کو کرتا ہوں نہ میں پون آہاری ہوں، تو کیا ہے؟ اب کہتا ہے نہ میں پید مذہب، یہ مذہب کیا ہے؟ کل بات ہو رہی تھی، کہتی جو روحانیت اور مذہب یہ دونوں الگ ہیں، اور روحانیت جو ہے مذہب جو ہے اس کو پکڑتا ہے، اس کو چھوٹا کرتا ہے، اس پہ پابندیاں لگاتا ہے، روحانیت تو اوپر ہے، اس لیے بلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نام پیت مذہب کا، یہ مذہب ہے کیا جس کے لیے ساری دنیا کہتی ہے؟ نام پیت مذہب دا پایا، نام آدم ہوا جایا، یہ کمال ہے۔ وہ اس بات سے بھی منکر ہے کہ فرسٹ ایڈم اینڈ ایو جس کی ساری اولاد ہے، کہتا ہے میں تو ویسے بھی آپ دیکھ لو، یہ کہتا ہے اماں بابے کی پلیائی، اماں بابا وہ آدم اینڈ ہوا، کہتا ہے اماں بابے کی پلیائی وہ کام ہمارے آئی، اماں بابا چور دھرا گئے، کنک جنوں، کوئی کنک کہتا ہے کوئی سیب کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ بھی چور تھے، میں تو کسی کے، ساری پہچانے جو ہے ہر پہچان سے بلا منکر ہے، نہیں مانتا۔ تو کیا کہتا ہے؟ سو کہتا ہے نہ میں پیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم ہوا جایا، تو نہ میں اپنا نام ترایا، مجھے اپنا کچھ نام، مجھے نہیں دینا اپنے آپ کو کوئی نام، تو نہ وچ بیٹھن نہ وچ، کئی سمادھی لیتے ہیں کتنی کتنی دیر تک، اور کئی، ہم چھوٹے تھے نا تو کسی نے وہ لگائے ہوتے تھے ٹلیاں لگا کے، مور کے پنکھ لگا کے، وہ چھنکاتے تھے بمبولا بھنڈار بھریں گے، وہ چلتے ہی رہتے تھے، تو میں نے کہا بھیا آپ رکتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہتے نہیں ہمارے مذہب میں ہمارا یہی ہے، تو وہ کہتا میں ان میں بھی نہیں ہوں جو بھونا مینس چلنا پھرنا، تو میں نہ رکنے والوں میں ہوں نہ میں ان میں ہوں جو چل بمبولے بھنڈار والوں میں بھی نہیں ہوں، تو میں کیا ہوں؟ یہاں آ کے ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے، اقبال کا خودی کا فلسفہ ورلڈ اوور ہے، اقبال ہی واز ویری فاؤنڈ آف بلے شاہ پوئٹری، تو کہتے ہیں جب ان کا رسوئیا ہمارے جیسے نہیں ان پڑھ ہوتے تھے، وہ بڑے اچھے اچھے، تو بیمار ہوئے تو بولتے ہیں مجھے بلے شاہ کی وہ کافی سنا، کون سی؟ بلا کی جانا میں کون، اور کہتے ہیں یہ کافی سنتے سنتے ہی وہ کوما میں چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں ہوش آئی نہیں ان کو، تو یہ خودی کا فلسفہ بلے شاہ ان سے پہلے ہے۔ اب بلے شاہ کا دیکھیے خودی کا فلسفہ، کہتا ہے اول آخر آپ نو جانا، شروعات میں بھی میں تھا، سرشتی کے انت میں بھی منک ہوگا، اول آخر میں ہی شروع میں تھا، میں ہی آخر میں ہوں، نہ کوئی دوجا ہور پہچانا، میں کسی کو اور جانتا ہی نہیں ہوں، تو کہتا ہے میتھوں ہور نہ کوئی سیانا، ان وٹ اینڈ وزڈم کیا ہے نن سرپاسس می، آئے تو صحیح کوئی، آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہیومن ایگزسٹنس جو ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کو اس نے سب سے اوپر اپنے کو بنایا ہے، کہتا ہے اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میتھوں ہور نہ کوئی سیانا، بلا شو کھڑا ہے کون، ہو ڈو آئی کیئر فار، کون ہے وہ، میں کسی کو نہیں جانتا۔ اب یہ پنجابی کا پہلا شاعر ایسا ہے جس نے کیا ہے ہیومن ایگزسٹنس کو سرب سریشٹھ مانا ہے، سب سے اوپر ہے ہیومن ایگزسٹنس، اور آتم نربھر سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں یہ لوگ، اور یہ ایک نیا سچ بلے شاہ نے ہم پنجابیوں کے لیے ستھاپت کرا ہے، اور یہ کیا ہے، اس سچ میں بلے کی درشٹی جو ہے آج جگا دی ہے، سب پہچانے جن پہچانوں کا ہم نے نام کیا ذکر لیا، تو کیا ہے وہ ساری پہچانے جو ہیں ان کے ساتھ مانوتا کا دوند رچا رہا ہے، کہ یہ ساری پہچانے ایک طرف ہیں اور منش ہونا، کیونکہ یہ سما ایسا ہے جہاں دھارمک پہچانے ہیں، نسلی پہچانے ہیں، بھوگولک الگ الگ نگروں کی ہیں، بھاواتمک ہے، سادھنا گت بھی ہیں، اور کرم کانڈی بھی پہچانا ہے، اور یہ پہچانے کیا ہیں، یہ منک نے تو بنائی ہے، ہم نہیں بنائی ہیں ان پہچانوں کو،
तो इस क्या है ये धीरे धीरे इतिहास ने जब विकास करा है ये पहचानें धीरे धीरे बनती गई हैं और इन पहचानों के प्रकृति में क्या है, प्रकृति में एक अव्यवस्था थी, संस्कृति ने उसको सुव्यवस्थित कर दिया, उसको कंट्रोल में करा है। तो अब क्या हुआ है, कहते हैं जब किसी समाज की या किसी निज़ाम की जो सांस्कृतिक जो कल्चरल व्यवस्था है वो क्या करे, वो मनुष्य से ज़्यादा मूल्यवान होके बैठ जाए। अब विज्ञापन संस्कृति को ही देख लो, आपने क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ जाना, कहाँ से लोन लेना, आप देखिए तो सही, वो हमें डिक्टेट करते हैं। जब संस्कृति हमें डिक्टेट करती है तो वो क्या है, इसको बुलशा नहीं मानता शेली? ये रिश्ता बदलने की ज़रूरत है। सो इसलिए क्या है, संस्कृति को विस्थापित करना है, उसने मनुष्य ने उसके ऊपर आना है भाई। तो सारी व्यक्तिगत पहचानें जो हैं उनका मानवता के साथ टकराव है। और भुले शाह ने क्या किया, इन सारी पहचानों के आतंक में से उसने खुद को, इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक विजयी बना के निकाला है और एक मुक्ति की, ये मुक्ति है भुले शाह की, जिस मुक्ति को वो कई जगह कहता है मैं बेकैद, मैं बेकैद, बुला की जाना मैं कौन। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।